फीडबैक फॉर्म भरने के लिए सैया को सबसे पहले किसी भी व्यक्ति का जिसकी उम्र 30 वर्ष से अधिक है व्यक्तिगत स्वास्थ्य रिकॉर्ड रखना बहुत ही ज़रूरी है और इसके लिए सबसे पहले सहमति पत्र भरना होता है। गैर संचारी रोग के प्रारंभिक जांच हेतु जो प्रपत्र आता है उसमें ऊपर सामान्य सूचनाएं अंकित करनी होती हैं, जैसे सैया का नाम, ग्राम, ANM का नाम, उपकेंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का नाम और दिनांक। उसके बाद व्यक्तिगत सूचनाएं, उस व्यक्ति का नाम, उम्र, लिंग, पता। पहचान के लिए आधार कार्ड, UID, वोटर कार्ड या कोई अन्य। राज्य की स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत उन्होंने बीमा करवाया है या नहीं, हाँ या नहीं। संपर्क नंबर। उसके बाद उन्हें यह सहमति पत्र में साइन करने होते हैं और उस दिन की तिथि अंकित करनी होती है तथा स्थान को अंकित करना होता है। साथ ही जब हम आगे बढ़ेंगे तो सबसे पहले देखेंगे कि सीबैक फॉर्म जो है उसमें क्या करना होता है। तो सीबैक फॉर्म यानी कॉम्प्रिहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर के जो अंतर्गत जो सूचनाएं होती हैं उसमें सबसे पहले सैया का नाम, ANM या MPW का नाम, ग्राम, वार्ड, टोला का नाम, उप स्वास्थ्य केंद्र का नाम, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का नाम, नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का नाम, ये अंकित करना है सामान्य जानकारी में। उसके बाद व्यक्तिगत जानकारी में नाम, उम्र, लिंग, पूरा पता, पहचान पत्र, आधार की स्वास्थ्य बीमा सुरक्षा योजना हाँ या नहीं, यदि हाँ तो विवरण को अंकित करना है, मोबाइल नंबर स्वयं का या फिर परिवार का, जिसका भी नंबर लिखें उसके बारे में विवरण में लिख दें। क्या उक्त व्यक्ति को निम्न समस्याओं में से कोई समस्या है, जैसे देखने की समस्या, ज्ञात विकलांगता, सैयाग्रस्त, दैनिक गतिविधि करने में किसी का सहयोग लेते हैं, यदि हाँ तो उसका विवरण दें। अब हम पार्ट वन को भरेंगे यानी पार्ट ए, जोखिम या मूल्यांकन पार्ट। इसमें प्रश्न होता है कि आपकी उम्र क्या है और उम्र को पूर्ण वर्षों में भरना होता है और जिस भी उम्र के वे व्यक्ति होंगे 29 वर्ष से लेकर 59 वर्ष तक के, तो जो अंक दिए हुए हैं उसमें गोला बनाना है और स्कोर जहां लिखा हुआ है वहां स्कोर लिखना है। यदि उम्र 59 वर्ष की है तो 4 अंक में गोला लगाएंगे और स्कोर में 4 लिखेंगे। क्या आप धूम्रपान करते हैं, गुटखा या खैनी जैसे धूम्रपान रहित उत्पादों का उपभोग करते हैं, यदि पहले करते थे तो पहले लिखेंगे, कभी नहीं तो 0, पहले करते थे तो 1, वर्तमान में कभी कभी उपयोग करते हैं उसमें भी 1, और यदि रोज़ उपयोग करते हैं तो 2 में गोला लगाना है और स्कोर लिख देना है। क्या आप रोज़ाना शराब का सेवन करते हैं, यह पूछना है, यदि हाँ बोलते हैं तो 1 में, यदि नहीं तो 0 में, और यदि रोज़ उपयोग करते हैं तो 2 में गोल करना है। कमर की माप लेनी है और जिस भी माप में आती है, पुरुष है तो पुरुष वाले माप हम देखेंगे, महिला है तो महिला वाले देखेंगे और फिर हम उसको टिक कर देंगे। क्या आप सप्ताह में कम से कम 150 मिनट के लिए कोई शारीरिक गतिविधि करते हैं, न्यूनतम 30 मिनट प्रतिदिन सप्ताह में 5 दिन, वो जैसा बोलेंगे। यदि 150 मिनट कहते हैं कि सप्ताह में करते हैं तो 0 में गोला करना है, यदि एक सप्ताह में 1.5 मिनट से कम कहेंगे तो 1 में गोला करना है और स्कोर में लिख देना है। क्या आपके परिवार, माता पिता या भाई बहन में कोई भी उच्च रक्तचाप, मधुमेह या हृदय रोग से ग्रसित है, यदि हाँ तो 2 में गोल करेंगे, नहीं तो 0 में गोल करेंगे और स्कोर लिख देंगे। फिर जब हम स्कोरिंग करेंगे तो प्रत्येक व्यक्ति का समुदाय आधारित मूल्यांकन करना अनिवार्य है, इसलिए जब हम यदि किसी व्यक्ति का कुल स्कोर 4 से अधिक देखते हैं तो उसे गैर संचारी रोग होने का खतरा है यानी जोखिम है और उसे साप्ताहिक गैर संचारी रोग दिवस के दिन आने की प्राथमिकता देनी चाहिए, यानी हम उन्हें नज़दीकी HSC CSC में विजिट करने को कहेंगे और कहेंगे कि जाकर आप अपनी जांच कराते रहें। इस तरह से
पार्ट ए जो है वह पूरा होता है और पार्ट ए प्रारंभिक जांच के संबंध में रोगी के लक्षण संबंधित निम्न जानकारी ली जाएगी। जब पार्ट ए हम भर लेंगे उसके बाद फिर से हम पूछेंगे महिला एवं पुरुष, हाँ या नहीं, महिला के लिए और पुरुष के लिए। बी वन में सांस लेने में तकलीफ, हाँ कहेगी तो हाँ लिखेंगे, नहीं कहेगी तो नहीं। 2 सप्ताह से अधिक खांसी, 2 सप्ताह से अधिक बुखार, जैसा बताएगी उस तरह से लिखना है। बी टू में महिला या पुरुष, क्या झटके आते हैं, मुंह खोलने में कठिनाई है, मुंह के छाले जो 2 सप्ताह में ठीक नहीं हुए हों, यदि हाँ तो हाँ में लिखेंगे और यदि नहीं तो नहीं लिखेंगे। वजन कम होना, यदि हाँ तो हाँ, नहीं तो नहीं। इस प्रकार से हाँ और नहीं करते हुए ये सारे कॉलम हम भर देंगे। जब हम ये सारे कॉलम भर लेते हैं उसके बाद यदि किसी व्यक्ति को ऊपर दिए लक्षणों में से किसी भी लक्षण को पाया जाता है तो उस व्यक्ति को निकटतम स्वास्थ्य केंद्र पर भेजेंगे जहाँ मेडिकल ऑफिसर उपलब्ध होते हैं और उपस्थित होते हैं। यदि प्रक्रिया हाँ है तो कार्रवाई का सुझाव, बलगम के नमूने का संग्रह कर निकटतम टीबी परीक्षण केंद्र में भेजेंगे। यदि प्रक्रिया हाँ है तो ANM MPW द्वारा परिवार के सभी सदस्यों की टीबी के लक्षण का पता लगाया जाएगा। पार्ट सी में हम लोग फिर क्या देखेंगे कि निम्न में जो मान्य हो उसे गोल लगाएंगे, जैसे खाना बनाने के लिए इस्तेमाल ईंधन का प्रकार लकड़ी, फसल अवशेष, पैरा भूरा आदि, गोबर के कंडे, कोयला, मिट्टी, तेल, LPG गैस। व्यवसायी एक्सपोजर, फसल अवशेष, पैरा भूसा आदि जलाना, कचरा जलाना, व्यक्ति ईंट भट्ठा, कांच का कारखाना, अन्य किसी कारखाने में कार्यरत है जिसमें धुआं, गैस अथवा धूल से संपर्क में आते हों। इस प्रकार से हम पार्ट वन को भर लेंगे और फिर पार्ट टू में आएंगे। तो पार्ट टू में हम देखेंगे कि क्या पिछले 2 सप्ताह में आपको निम्न समस्याएं हुई हैं, महसूस हुई हैं, कार्य करने में रुचि अथवा खुशी का कम होना, अवसाद, निराशा, अपने बारे में बुरा महसूस करना, हतोत्साहित होना। यदि हाँ है या कभी नहीं है, कई दिनों में, आधे से ज़्यादा दिनों में, लगभग हर रोज़, तो स्कोरिंग में हम गोल करेंगे। जिनका भी कुल अंक 3 से अधिक हो उनको CHO MO को रेफर करेंगे, HSC PSC या फिर UPSC। इस प्रकार से हम सीबैक फॉर्म को भरेंगे और पार्ट बी का जो व्यक्तिगत स्वास्थ्य रिकॉर्ड है उसको हम अंकित करेंगे। व्यक्ति का नाम, व्यक्तिगत ID, गैर संचारी रोग के बारे में पूरी जानकारी, जो पहले से ज्ञात गैर संचारी रोगों के बारे में जो जानकारी है, रोग की पहचान अगर की गई तो रोग की पहचान की तारीख, अभी जो इलाज चल रहा है, जो इलाज बंद कर दिए गए हैं, कोई जटिलता है या अन्य। इस प्रकार से हम पार्ट बी का ख भरेंगे और फिर आप ख भरेंगे। गैर संचारी रोग का प्राथमिक जांच में उच्च रक्तचाप, मधुमेह, मुंह का कैंसर, स्तन कैंसर, बच्चेदानी के मुंह का कैंसर, COPD यानी श्वास की बीमारी, उच्च रक्तचाप, मधुमेह, मुंह का कैंसर, स्तन कैंसर, बच्चेदानी के मुंह का कैंसर, जोखिम के कारक, अन्य, ये जो भी होगा उसको हम लिखेंगे और तारीख लिखेंगे। फिर ग जो भरेंगे इलाज की जानकारी, उसमें हम भरेंगे स्थिति, रोग की पहचान की तारीख, इलाज की शुरुआत, स्वास्थ्य केंद्र, तारीख, जानकारी, फिर इलाज का अनुपालन, अभी इलाज करा रहे हैं स्वास्थ्य केंद्र में, तारीख लिखेंगे, फिर दवाई की मासिक उपलब्धता कितनी है, दुष्प्रभाव, जटिलता यदि है तो वो लिखेंगे, इलाज यदि बंद कर दिया तो बंद करने का कारण और बंद करने का दिनांक तथा अन्य जानकारी को हम अंकित करेंगे, यदि कुछ विशेष हो तो फिर टिप्पणी भी करेंगे। इस प्रकार से सीबैक फॉर्म हमारा पूरा भराता है और जब भर जाता है तब हम उसे हेल्थ रिकॉर्ड के रूप में जमा करेंगे और व्यक्ति को साप्ताहिक जांच के लिए भी बुलाएंगे।